हेलो एवरीवन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, राइट? उसके बाद हमने एटम से रिलेटेड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद कंपाउंड से रिलेटेड हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारा मोल है, ये वर्ड, इसका मतलब क्या है, ठीक है? इसका मतलब यह होता है, मोल जो है वो आपकी SI यूनिट है। क्या है मोल आपका? SI यूनिट है। अब भाई किस चीज का SI यूनिट है? तो ये SI यूनिट है किस चीज को मेजर करने का? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने का SI यूनिट है। वेट एक अलग चीज हो जाती है, राइट? हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था प्रीवियसली वेट और मास में। तो वेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है, मास किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी होती है। तो जब किसी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा यूनिट होता है आपका मोल, जिसे आप डिफाइन कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको आप क्या कह सकते हैं? मास। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना है तो उसकी SI यूनिट होती है मोल। इसे हमने देखा, मोल SI यूनिट है। क्वांटिटी ऑफ मैटर को कैलकुलेट करने की, क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मास से डिफाइन करते हैं। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अब मोल कंसेप्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है? अब मोल में क्या होता है, हमारे पास जो एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट एवोगैड्रो, उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक नंबर हमें दिया था जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एंड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 6.022 × 10⁻², राइट? अब ये जो डिजिट है ये क्या है, ये हमें समझना। ये वो डिजिट है, इट मींस अगर आपको कहा जाए कि आपके पास क्या है, 1 मोल एक्स एटम, ठीक है? एक्स एटम कोई आपने इमेजिन किया कि एक्स कोई एटम है, उसकी 1 मोल क्वांटिटी आपके पास है, ठीक है? तो वो उसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कि 1 मोल ऑफ एक्स एटम में कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो हम कह सकते हैं 6.022 × 10⁻², एटम्स, एक्स एटम। जो आपके पास एक्स एटम के 1 मोल क्वांटिटी है उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर कंपाउंड के टर्म्स में कैलकुलेट करें कि 1 मोल NaCl है आपके पास, उसमें कितना होगा, 1 मोल ऑफ NaCl में 6.022 × 10⁻², NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? मतलब जो 1 मोल क्वांटिटी है वो नंबर्स में इतनी होती है। अब चाहे वो 1 मोल ऑफ एटम हो, चाहे 1 मोल ऑफ कंपाउंड हो। अब इसके अंदर जो हम एक टर्म आती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि वो जो टर्म है वो आता है आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना हो मोल नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मोल नंबर, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। वो आपके पास फॉर्मूला ये है कि आपका हो जाता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब अगर मैं आपको इस फॉर्मूले को डिफाइन करूं तो वो इस तरीके से होगा, आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोल नंबर ऑफ एलिमेंट की, भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है एलिमेंट के, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज मोल नंबर ऑफ कंपाउंड, राइट? अभी आपने देखा मोल नंबर ऑफ एलिमेंट। मोल नंबर ऑफ एलिमेंट देखने के बाद हम देखने वाले हैं मोल नंबर ऑफ कंपाउंड। तो कि भाई कोई कंपाउंड की क्वांटिटी हमें दी है और हमें कैलकुलेट करना है कि उस गिवन क्वांटिटी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उस कंपाउंड के,
तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला ये हो जाता है कि मास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा मास ऑफ कंपाउंड कि भाई आपको कितनी क्वांटिटी कंपाउंड की दी हुई है। अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड का हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्या कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो ये दो फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले से आप मोल नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले का यूज करके मोल नंबर ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, फिर हम कैलकुलेट करेंगे मोल नंबर ऑफ कंपाउंड। ओके,